जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपी जीके के टॉप क्वेश्चन, जो कि आपकी आने वाली एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, उससे पहले हम लोग एमपी के मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहां से पूछे जाने वाले जो चार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहले मैं उन्हें आपको बता देता हूं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वह है सिंगरौली, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो आपका आंसर होगा अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, जो कि साक्षरता दर में मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। इसके बाद पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो आपका आंसर होगा मुरैना, और मुरैना जो है यह चंबल नदी के मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित मध्य प्रदेश का जिला है, मृदा अपरदन से। उसके बाद आपसे चौथा प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तब आपका आंसर होगा बुरहानपुर जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, जिसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है। और बुरहानपुर के असीरगढ़ में, जो असीरगढ़ किला स्थित है बुरहानपुर में, उसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों की हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आप शुरू करते हैं, देखते हैं आज के हमारे जो टॉप क्वेश्चन है वह कौन कौन से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका आंसर जल्दी से आप लोगों को कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है भारत भवन इमारत में कितने वर्ग हैं, कितने भाग में बांटा गया है भारत भवन को, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 6 भाग में। भारत भवन जो है इमारत, इसे 6 भागों में बांटा गया है। भारत भवन प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। भारत भवन का जो डिजाइन है वह चार्ल्स कोरिया के द्वारा तैयार किया गया था। तो यहां पर ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, ये दोनों भी पूछे जाते हैं कि भारत भवन कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा भोपाल में। भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो आंसर होगा चार्ल्स कोरिया ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है यहां पर मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यह एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश में कृषि के मामले में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन करता है। तो आपका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन फसल का उत्पादन करता है। किस फसल का उत्पादन करता है, सोयाबीन फसल का उत्पादन करता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि भारत में मध्य प्रदेश किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, आंसर होगा सोयाबीन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से बंजर और हलोन नदियां किस के मध्य से बहती है, किस बाघ अभयारण्य के मध्य से बहती है। तो आपका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, कान्हा टाइगर अभयारण्य से। और यह क्वेश्चन भी कॉन्स्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो एमपी जीके के सारे बेस्ट क्वेश्चन हमने आप लोगों के कॉन्स्टेबल एग्जाम 2022 के लिए पढ़ाए थे, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो जिन भी दोस्तों या बच्चों ने अभी तक एमपी जीके की हमारी जो 1250 प्लस क्वेश्चन की बेस्ट पीडीएफ फाइल है, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसे डाउनलोड नहीं किया है तो आप तुरंत डाउनलोड कर ले। एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम 2022 में एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन है सब यहीं से पूछे गए थे, और आपके आने वाले एग्जाम में भी यहीं से पूछे जाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन है हमारा कि बंजर और हलोन नदियां किस बाघ अभ्यारण्य से बहती है, तो आंसर होगा कान्हा टाइगर बाघ अभ्यारण्य से।
कान्हा टाइगर बाघ अभ्यारण्य जो है दोस्तों, यह मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल भी कॉन्स्टेबल एग्जाम में पूछा गया, तो इसका क्षेत्रफल जो है 940 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला टाइगर अभ्यारण्य है, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले यह राष्ट्रीय उद्यान था। माइके जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, इसे वर्ष 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा टाइगर अभ्यारण्य जो है बच्चों, यह भारत का पहला ऐसा राष्ट्र जो अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है, जिसने अपना शुभंकर भूर सिंह 2017 में अपना शुभंकर भूर सी दा बारा सिंगा को जारी किया था। तो इसका शुभंकर जो है वो कौन सा है? भूर सी दा बारा सिंगा। और यहाँ पर पाए जाने वाले बारा सिंगा को मध्य प्रदेश में जो कान्हा का गहना कहकर भी बुलाया जाता है। क्या कहकर बुलाया जाता है? कान्हा का गहना कहकर भी बुलाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, तो देखिए पूछा जा रहा है माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी जीव कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर एक लियोपर्ड, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं तेंदुआ। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी जीव जो है वह तेंदुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात कर ली जाए तो यह किस जिले में स्थित है? तो यह शिवपुरी जिले में स्थित है, यह आपको याद रखना है। इस अभ्यारण में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है, और स्वतंत्रता से पूर्व शिवपुरी या माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में स्थित है, यह किस वंश का या किस राजवंश का शिकार स्थल था, ऐसा आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। तो एक क्वेश्चन ये भी आप लोगों का बनता है, पहला तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। दूसरा पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता से पूर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राजवंश का शिकार स्थल था, तो आंसर होगा सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। अब यहां से तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूं। तीसरा क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज केसल भवन स्थित है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि जॉर्ज केसल भवन जो है वह मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में स्थित है, तो आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। और चौथा क्वेश्चन, माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही तात्या टोपे, वीर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे जी का समाधि स्थल स्थित है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। यह क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है किस वर्ष में सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर एक वर्ष 1919 में सर जॉन मार्शल ने सांची में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो गया। अगर सांची की बात की जाए तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था किसने कराया था? अशोक ने कराया था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित सम्राट थे, और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा या जो शिक्षा है वो किससे ली थी? तो उपगुप्त नामक भिक्षुक से ली थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पर पीर बुधान कौन से महीने में आयोजित किया जाता है। पीर बुधान का जो मेला है वह किस मंथ में आयोजित किया जाता है, यहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों को बता रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर तीन अगस्त और सितंबर माह में। पीर बुधान का जो मेला है वह शिवपुरी जिले के साबरा क्षेत्र में कहां आयोजित किया जाता है?
शिवपुरी जिले के साबरा क्षेत्र में आयोजित किया जाता है और किस मंथ में आयोजित किया जाता है? तो शिवपुरी जिले के साबरा क्षेत्र में पीर बुधन के मकबरे के पास अगस्त सितंबर माह में आयोजित किया जाता है पीर बुधन का मेला। मध्य प्रदेश के मेलों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को हमने पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। एक वीडियो स्पेशली मेले से रिलेटेड था, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग उसके लिंक डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से कौन सा अब्दुल लतीफ खान से संबंधित है, यह आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर दो, सारंगी। अब्दुल लतीफ खान जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर होगा सारंगी से है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। आंसर फटाफट कमेंट करना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो यहां पर पूछा है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? तो सांझा, कलगीतुरा, गरबा या निर्गुणी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कलगीतुरा। कलगीतुरा जो है यह मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है। प्रतिस्पर्धात्मक रूप का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कव्वाली देखा होगा, एक बार इधर वाला पक्ष गाता है तो उसी का जवाब दूसरा पक्ष देता है, उसी प्रकार से कलगीतुरा भी मध्य प्रदेश का एक लोक गायन है जो कि प्रतिस्पर्धात्मक है। और यह जो कलगीतुरा है यह निमाड़ से मालवा तक फैला हुआ है। निमाड़ क्षेत्र से लेकर कहां तक फैला हुआ है? मालवा तक इसका विस्तार है। और कलगीतुरा में किसकी उपासना की जाती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शिव की उपासना की जाती है। किसकी? शिव भगवान की उपासना की जाती है कलगीतुरा लोक गायन में। यह भी आप लोगों को याद रखना है, अदर फैक्ट भी आप लोग जरूर याद रखेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से छिपरा नदी किसकी सहायक नदी है, किस नदी में मिलती है, ऐसा प्रश्न है। तो बताइए, चंबल, बेतवा, केन या नर्मदा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी में। छिपरा नदी जो है यह चंबल की सहायक नदी है। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। अगर छिपरा नदी की बात कर ली जाए तो छिपरा नदी के तट पर ही उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है पूछा जाता है? तो छिपरा नदी के तट पर स्थित है। और छिपरा नदी के तट पर ही उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है। तो ऑप्शन में आप लोगों को कुंभ मेला था, तो कुंभ मेला ही सबसे बड़ा मेला होता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चार, गुना का पुराना नाम ईसागढ़ था। और गुना जिला जो है, गुना जो शहर है, सिटी है, इसे बीचों बीच से दो भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम कौन सा है? तो आपको याद रखना है सिंध नदी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से ऑलरेडी 2017 के कांस्टेबल एग्जाम और फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो कि गुना शहर को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। आंसर है सिंध नदी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी मध्य भारत में कब विलय हुई थी? ब्रिटिश भारत की जो मालवा एजेंसी है इसका मध्य प्रदेश में कब विलय हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोगों को दिए गए ऑप्शन में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर एक, वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटिश भारत की जो मालवा एजेंसी है इसका मध्य भारत में विलय किया गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवा को मालवा नाम देने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो आपको याद रखना है ओलिकार वंश को जाता है। किसे जाता है दोस्तों?
ओलकर वंश को जाता है, यह अच्छे से याद रखेंगे। मालवा को मालवा नाम देने का जो श्रेय है वह ओलकर वंश को जाता है, यह अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है एसआई एग्जाम 2017 में, आप उठाकर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को कैसे बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किसे पूछा गया है, तो हमने आपको ऑलरेडी 2016 कांस्टेबल एग्जाम, 2017 कांस्टेबल एग्जाम, एसआई एग्जाम 2016, 2017 फॉरेस्ट एग्जाम, 2015, 2017 पटवारी एग्जाम, 2017 और एमपी गवर्नमेंट की ग्रुप टू ग्रुप फोर के जितने भी एग्जाम है सभी के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन सॉल्व करा दिए हैं। एमपी जीके के क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए, तब मैं आपको बता पा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल राइट बता रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और एमपी जीके की बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बत्तीसी बावली कहाँ स्थित है, क्या पूछा है, बत्तीसी बावली कहाँ स्थित है, बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा है बत्तीसी बावली कहाँ स्थित है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 चंदेरी में। बत्तीसी बावली कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा चंदेरी में। और चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चंदेरी साड़ियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 300 मीटर अबव एमएसएल। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट रंग और धान्य गुणों के लिए यह लकड़ी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी इमारती लकड़ी पाई जाती है, आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सागौन, जिसे इंग्लिश में टिक के नाम से जाना जाता है। तो सागौन जो है यह विश्व प्रसिद्ध इमारती लकड़ी है जो कि मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा होता है, आपका आंसर होगा सागौन। और मध्य प्रदेश का भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो आप लोगों से पूछा गया है ओलकर शासक यशोधर्मा, ओलकर वंश के शासक यशोधर्मा ने किस शताब्दी, इनका जो संबंध है किस शताब्दी से है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 छठवीं शताब्दी से। ओलकर वंश के शासक यशोधर्मा का संबंध जो है यह छठवीं शताब्दी से। यो जो यशोधर्मा है ना, इसने नरोधिपति, किसकी उपाधि की थी, नरोधिपति राजाधिराज और राजाधिराज, ये याद रखना है ना, इसने नरोधिपति राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। और किसकी उपाधियां धारण की थी, परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। ओलकर वंश की बात अभी मैंने आपको बताया था कि ओलकर वंश ने ही मालवा को मालवा नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है, पूछा गया है कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शन में से आप लोगों को आंसर बताना है, तो आंसर होगा बुद्ध धर्म से, बुद्धिज्म से। बाघ की गुफाएं जो है यह धार जिले में, कहां पर, धार जिले में बाघिन नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इन्हें बाघ की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। बाघ की गुफाओं में चित्रित जो चित्रित चित्रकारी है वह किस काल की है, तो वह गुप्त काल की है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अंदर जो चित्रकारी चित्रित की गई है उसका संबंध किस काल से, गुप्त काल से। धार जिले में बागी नदी के तट पर स्थित है बाघ की गुफाएं।
किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन 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 यहां पर एक चीज और याद रखना है, यहां पर देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आपको ए और बी दोनों दिया था, लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं भी ए बी नहीं दिए हैं, इसलिए ये आंसर नहीं था। लेकिन यदि आप लोगों को यहां पर इस तरीके से ए और यहां पर इस तरीके से बी दिया जाता, तब होता सेकंड वाला आंसर बिल्कुल राइट, क्योंकि जो बाघ की गुफाएं हैं वह बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्म से संबंधित है। लेकिन यहां पर ऑप्शन जब अवेलेबल नहीं होगा तब आंसर आप सिर्फ बौद्ध धर्म को लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया दोनों कंडीशन में कैसे आंसर करना है हमें? तो आप क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए आप गलत नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो यहां पर आपसे पूछा गया है दोस्तों खालिस्तान मतलब कि किस सिटी के, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग मिला है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है इनमें से किस सिटी के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग मिला है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर एक इंदौर सिटी के चमड़े के जो खिलौने हैं उन्हें जीआई टैग मिला है। इंदौर की अगर बात कर ली जाए तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे नगरीकृत शहर है, इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है मिनी मुंबई के नाम से किसे जाना जाता है, इंदौर को। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो इंदौर को, और मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है तो भी आंसर होगा इंदौर को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? यदि आपसे यह क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर पूछा गया है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर, कांच मंदिर कहां स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में स्थित है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रानी दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी? यह पूछा गया आपसे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2017 2022 एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रानी दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर तीन, चंदेल वंश की राजकुमारी थी। रानी दुर्गावती जो है यह चंदेल वंश की राजकुमारी थी, परंतु इनका विवाह गोंड शासक दलपत शाह से हुआ था। किससे हुआ था? गोंड शासक दलपत शाह से हुआ था, और दलपत शाह की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन आरूढ़ हुई, कौन बैठी? तो रानी दुर्गावती बैठी, इसलिए रानी दुर्गावती एक गोंड शासिका थी, यह भी आप लोगों को याद रखना है। यह एक गौड़ शासिका थी और इनका जो समाधि स्थल है कहां स्थित है? जबलपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जबलपुर में। और ये कहां की गौड़ शासिका थी तो आपसे पूछा जाए तो यह गढ़ मंडला की गौड़ शासिका थी, और जिनका जो समाधि स्थल है वह जबलपुर में है, और चंदेल वंश की राजकुमारी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है बरमान का जो मेला है, बरमान का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, ऐसा आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चार, 13 दिनों के लिए। बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में कहां आयोजित किया जाता है? नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के बरमान घाट पर। कब? नर्मदा नदी के बरमान घाट पर मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? मकर संक्रांति मतलब कि जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन है जो बरमान का मेला है वह कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, तो आंसर होगा 13 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। कहां आयोजित किया जाता है? तो नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के बरमान घाट पर मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है बरमान मेले का। तो मेले से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़े। चैनल की प्लेलिस्ट में एमपी जीके की जो प्लेलिस्ट बनी है 2022 की स्पेशल आप लोगों के लिए,
उसमें ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। एमपी जीके के इतने बेस्ट कंटेंट है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एमपी जीके आपका बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो 1250 प्लस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आप जरूर डाउनलोड करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, जरा ध्यान से देखेंगे यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन में पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, आपको बताना है कितने संभाग है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो यहां पर एक ऑप्शन गायब है, चलिए एक ऑप्शन में अपने मन से बता देता हूं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या हो गया बताइए तो जल्दी से। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग है, तो 10 संभाग है। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं यदि ऐसा पूछा जाए तो कितने जिले हैं, 52 जिले। मध्य प्रदेश का नवीनतम गठित जिला कौन सा है, निवाड़ी जिला है, यह भी आपको याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है। अब एक क्वेश्चन मेरा है आपसे कि जो निवाड़ी है इसे किस जिले से अलग कर जिला बनाया गया है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है जरा ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो यहां पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ये कोई भी इसमें से राइट आंसर नहीं है। वर्तमान अगर बात की जाए जो कि अभी हमारी विधानसभा चल रही है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है गिरीश गौतम। कौन है वर्तमान अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के, गिरीश गौतम। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, तो मामा शिवराज सिंह चौहान, जो कि हमें वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। मामा शिवराज सिंह चौहान कौन है, मामा शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है, यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश गौतम, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप क्वेश्चन जो कि एमपी जीके के हमने आप लोगों के लिए लाए, जो आप लोगों को काफी अच्छे भी लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है, और भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा, आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी लाए जाएंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको अलग से कराए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और एमपी जीके के ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ऑन कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।